विजय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है 902 होल स्क्वायर माइनस 98 होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, इसका आंसर हमें विदाउट कैलकुलेटर हमें निकालना है। तो इसका आंसर हम दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो बहुत आसान है सॉल्यूशन, हम यहाँ पर टू मेथड्स यूज करेंगे। यहाँ पर इसका आंसर निकालने में फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड बहुत आसान है। तो 902 होल स्क्वायर माइनस 98 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आता है, तो इक्वल्स 902 में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें उसका आइडेंटिटी हमें पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर इसे ये समझ लो, 902 को अगर हम ये समझ लिया तो ये स्क्वायर हो गया, 98 को बी समझ लिया तो ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तभी यहाँ पर ये इस 902 और बी का वैल्यू 98 इसमें अगर पुट किया तो यहाँ बनेगा इक्वल्स ए प्लस बी, यानी 902 प्लस 98 इंटू 902 माइनस 98। ओके, तो 902 प्लस 98 मीन्स यहाँ पर 1000 बनते इंटू 902 माइनस 98, इसका कितना बनता है 804 है ना। 1000 इंटू 804 मीन्स, ये तो बहुत आसान हो गया, 804 जो है वो रख दो और आगे का ये 30 यहाँ इसके आगे रखो तो 804000 होता है। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या बन रहा है, 804000। ये तो बहुत सिंपल आसान है। ओके, यही आंसर। तो सेकंड मेथड से देखेंगे हम, तो जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। पहले 902 होल स्क्वायर माइनस 98 होल स्क्वायर इक्वल्स, ये जो 902 है इसे हम 900 प्लस 2 लिख लेंगे, 902 ही बनते हैं ये होल स्क्वायर स्क्वायर एज यूजल। माइनस 98 को हम कैसे लिख लेंगे, 100 माइनस 2 लिखेंगे, ये बनता है 100 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी 98 होल स्क्वायर ही बनता है। तो इधर यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर दो, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ए माइनस बी का आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों का आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, और ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू ए बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 900 बन रहे, यहाँ पर बी 2 बनता है, इसमें ये 100 बनते हैं, इसमें बी ओनली 2 बनते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हमने किया तो ये बनते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। फर्स्ट वन ए स्क्वायर मीन्स 900 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 900 इंटू 2, ये एक हो गया। ए माइनस, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका ये आइडेंटिटी यूज किया तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बी मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए मीन्स 100 बी इज 2, ठीक है। तो इक्वल्स 9 स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये 20 है तो स्क्वायर करें तो यहाँ पर आगे 40 रखो, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर मीन्स 4 बनते हैं, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3600 बनते हैं। ओके, तो ये ब्रैकेट के ऐसे ही रहने दो, नेगेटिव टाइम्स, यहाँ पर 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही बनते हैं, 20 है तो यहाँ पर 40 रखो, ये 10000 बनते हैं, प्लस ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 4 बनते हैं, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 100 मीन्स 400 बनते हैं।
ओके 8,10,000 है, तो 8,10,000 में 3,000 अगर माइनस किया प्लस किया तो 8,13 हो जाएगा, तो 8,13,604 बनते हैं, ये तीनों मिलके 8,13,604 बनते हैं। माइनस यहाँ पर 10,000 में अगर माइनस किया 400 तो 9,600 बनते हैं, उसमें 4 अगर प्लस किया तो 9,604 बनते हैं। ओके तो इसमें एक में एक अगर माइनस किया तो ये बनता है 804,000, यानी 8,04,000, सेम 8,04,000, ये है फाइनल आंसर। ओके अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विचार मैच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।